हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि धुंधर। आज हम देखने वाले हैं कि हम क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल टास्क कैसे निकाल सकते हैं या फिर फ्री फ्लोट कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने देखा था पिछली वीडियो में कि WBS कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसका हमने एक एग्जांपल भी देखा था। अभी इसमें हमें MSP में टास्क में हमें क्रिटिकल कैसे फाइंड आउट करना है, नॉन क्रिटिकल पार्ट भी कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम देखेंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूँगी, ठीक है। फिर अभी मुझे क्या करना है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूँगी, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरा कैलेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं फिर से मेरा कैलेंडर जो है वो सिलेक्ट कर दूँगी। अभी यहाँ पे सपोज मैंने स्टैंडर्ड कैलेंडर लिया, अभी जो है वर्क वीक्स, यहाँ पे मैं ओके अभी मैं यहाँ पे डालूंगी। यहाँ पे मैंने स्टार्ट डेट जो है वो मेरी डाल दी, कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। सपोज मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ठीक है, स्टार्ट डेट जो है मेरी 8 तारीख से है, ठीक है। अभी मुझे ये मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करनी है, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाऊंगी, यहाँ पे स्टार्ट किया स्टैंडर्ड कैलेंडर, ये मेरा सिलेक्ट किया है। अभी गैंट चार्ट के ऊपर मुझे वो अप्लाई करना है, मैं नॉन वर्किंग में जाऊंगी, फिर यहाँ पे मैं कलर चेंज करूंगी। सपोज मैंने ब्लू लिया, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड कैलेंडर मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया। अभी ये गैंट चार्ट के ऊपर मेरा ये असाइन हो गया, ठीक है। अभी मुझे क्या एग्जांपल लेना है कि मैं सपोज मेरी एक्टिविटीज़ है A B C D E and F, ऐसी मेरी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। सपोज मेरे एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे मैं ले रही हूँ, अभी टास्क नेम जो है मेरा A है, ठीक है, जो सेकेंड जो है वो मेरा B, देन C, यहाँ पे D, E, ठीक है, और लास्ट में है मेरा F। अभी एग्जाम्पल लिया मैंने, अभी इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे ड्यूरेशंस दिए हैं, यहाँ पे ड्यूरेशंस कितने हैं, यहाँ पे 5 डेज है। सपोज किसके लिए 4 डेज है मेरे बी के लिए, 5 डेज ए के लिए, सी के लिए दिए हैं 4 डेज, डी के लिए मैं ले रही हूँ अभी 2 डेज, ई के लिए 1 और एफ के लिए 2, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखे मैंने, अभी मुझे ये जो है यहाँ पे प्रीडेसेस भी ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, ऑटो शेड्यूल कर दूंगी, ठीक है। अभी ये जो है स्टार्ट डेट जो है वो मेरी 9 तारीख से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, फिर 9 तारीख से स्टार्ट हो रही है, प्रोजेक्ट मेरा 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे ठीक है 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे प्रीडेसर्स ऐड करूँगी मेरे बी के लिए 1, यहाँ पे सी के लिए क्या है 2, डी के लिए 2, ई के लिए भी मेरा कितना दिया है 3.4, ठीक है, अभी इसके लिए 5, ऐसे मैंने प्रीडेसर्स ऐड किए। वैसे वैसे मेरा यहाँ पे गैंट चार्ट के ऊपर ये मेरा फ्लो आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि सपोज मैं अभी इसमें मेरा गैंट चार्ट के ऊपर ये शो होगा, लेकिन मुझे अभी इसका क्रिटिकल पाथ मेथड जो है, क्रिटिकल टास्क जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फिर मैं क्रिटिकल टास्क कैसे फाइंड आउट कर दूंगी, यहाँ पे मैं गई, सपोज मैं फॉर्मेट में गई, अभी फॉर्मेट में क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल टास्क दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल टास्क है ये आपका रेड कलर में यहाँ पे देखो शो हो गया, ए बी देन यहाँ पे सी, और जो है ये जो है आपका ये कौन सा है, ये ई और एफ, ये जो है आपका ये क्रिटिकल टास्क आया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि आप इसका कलर कॉम्बिनेशन, अब ये जो होगा आपके ब्लू कलर में अर्ली फिनिश फॉर्मेट में, ठीक है, अभी आप क्या करोगे, CPM आ रहा है और ब्लू कलर में जो है वो अर्ली फिनिश, मतलब ये आपका जल्दी फिनिश हो गया, और क्रिटिकल टास्क में ये आपका क्रिटिकल है, ठीक है, ऑन टाइम हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट के
बीच में का जो फ्री फ्लोट निकाल सकते हो, ठीक है, इसमें आप अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट के बीच में का फ्री फ्लोट भी आप इसमें निकाल सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे गैंट चार्ट के ऊपर और यहाँ पे बार स्टाइल में जाओगे और यहाँ पे क्या होगा आपका फ्री फ्लोट एंड स्लैब जो है इसमें से आप जो है वो आप इसके लिए चेंज कर सकते हो। किसके लिए, सीपीएम के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्रिटिकल टास्क के लिए। ये देखो क्रिटिकल यहाँ पे रेड कलर आपको चेंज करना है तो आप इसमें से कर सकते हो, ठीक है। अभी फ्री फ्लोट एंड स्लैब जो होता है वो आपका सेम होता है, अभी फ्री फ्लोट और स्लैब सेम होता है उसके आप स्लैब और फ्री फ्लोट बोलते हैं, मतलब जिस एक्टिविटी के लिए आपको एक्स्ट्रा डेज मिले उसको आप फ्री फ्लोट और स्लैब कहते हो। अगर आपको टास्क शीट में स्लैब जो है वो ऐड करना है तो आप क्या करोगे, इसमें आपको ऐड करना है तो आप क्या करोगे, इंसर्ट कॉलम, अभी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम जो है इंसर्ट करना पड़ेगा। आपने ये वो कॉलम इंसर्ट किया और वहाँ पे आप फ्री स्लैग डालोगे, यहाँ पे सपोज मैंने डाला फ्री स्लैग, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये 000 जो है ये आपका क्रिटिकल टास्क है, ठीक है। अभी इसमें सी और डी एक्टिविटी के अंदर 2 डेज है, ठीक है, ये सी और डी इसके अंदर आपके 2 डेज का स्लैक है और फ्री फ्लोट यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। अब आपको टास्क शीट में जो है वो अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश लेट स्टार्ट लेट फिनिश ये आपको ऐड करना है। अभी 2 डेज का जो डिफरेंस आया है ये आपका जो आ गया है ये आपका फ्री फ्लोट आ गया है। अभी फिर से आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है आपको, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश लेट स्टार्ट लेट फिनिश। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इंसर्ट कॉलम करोगे और यहाँ पे डालोगे अर्ली स्टार्ट, पहले क्या डालोगे आप इसमें अर्ली स्टार्ट डालोगे, अर्ली स्टार्ट डाला आपने, फिर आपको क्या ऐड करना है यहाँ पे अर्ली स्टार्ट होने के बाद अर्ली फिनिश डालोगे, फिर आप क्या ऐड करोगे यहाँ पे लेट स्टार्ट, लेट स्टार्ट, फिर लेट फिनिश, ठीक है, लेट फिनिश ये आपने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। अभी आपका जो लेट अभी आपने ऐड अभी आपका जो ये अर्ली स्टार्ट है अर्ली स्टार्ट ये यहाँ से मतलब 9 तारीख से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी आपका ये लेट अर्ली स्टार्ट और अर्ली लेट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट जो होता है वो आपका सेम ही रहता है। अभी लेट स्टार्ट अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट जो है इसकी वैल्यूज आपकी सेम ही है, देखो सिर्फ आपकी चेंज कहाँ पे हो गई, ये जो 2 डेज का जो आपका फ्री फ्लोट आ गया है वहाँ पे ही आपका ये चेंज हो गए। तो आपको क्रिटिकल है या नहीं ये देखना है तो आपको उसमें एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो डेट है आपकी वो चेंजेस होती जाएगी। अभी 2 डेज जो है यहाँ पे आपका सपोज लेट स्टार्ट हुआ है, मतलब 21 तारीख को ये स्टार्ट हो गया, मतलब 2 दिन का इसमें क्या आ गया, फ्री स्लैक आ गया आपको। अगर आपको इसमें क्रिटिकल जो है या नहीं आपकी एक्टिविटी ये देखनी है तो आपको एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, इंसर्ट कॉलम में जाके आपको क्रिटिकल इसमें डालना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे देखो क्रिटिकल का कॉलम भी शो हो गया। अभी एस एस मतलब क्या है कि ए बी सी ये जो एक्टिविटी है ई और एफ ये आपकी क्रिटिकल है इसमें शो हो रही है, ठीक है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा डेज जो अवेलेबल नहीं होते आप और जो नो है इसमें क्या है कि ये आपका क्रिटिकल टास्क नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 डेज का फ्री फ्लोट मिला है इसलिए वो क्रिटिकल नहीं। अगर इसमें आपके प्रोजेक्ट में अगर किसी भी टास्क में एक दिन अगर लेट भी हुआ तो आपको क्या है कि इसके अंदर आपको एक दिन भी उसको ऐड नहीं होगे, ठीक है। तो इस वजह से आपका प्रोजेक्ट डिले भी हो सकता है। अगर इसमें 2 डेज का फ्लोट है, अगर मैंने सी में चेंजेस किए कुछ, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे डाला स्टार्ट डेट जो है वो मेरी चेंज सपोज यहाँ पे मैंने चेंज कर दी 18 तारीख डाली, ठीक है। अभी यहाँ पे सपोज मैंने 20 डाली, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगी मोर टास्क सी जो यहाँ पे सिर्फ दिया है उन्होंने, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओके किया तो ये मेरा देखो चेंज होते जाएगा। और जो क्रिटिकल टास्क है यहाँ पे देखो ये नो नो आ गए, अभी ये जो है क्रिटिकल यस आ गया आपका, ठीक है। ये इतने आपके क्रिटिकल हो गए, अगर आपने थोड़ी भी चेंजेस किए तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है
वो आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे एस एस, ये देखो ये भी पहले आ गया इसमें। ऐसे आपका, आपको समझ में आया होगा कि आपका क्रिटिकल टास्क क्या होता है, इस वजह से आपको ये फाइंड आउट करते आ रहे हैं। अभी आप नेटवर्क डायग्राम में देखोगे तो आपको ये क्रिटिकल डायग्राम भी आपको ये शो हो रही है आपकी कैसे जा रही है रेड कलर में, ठीक है। अभी आपको ये समझ में आया कि एक्स्ट्रा रे, मतलब अब आपको समझ में आया कि क्रिटिकल टास्क मतलब क्या होता है, कि जिसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा रेज अवेलेबल नहीं होते, मतलब गैप नहीं होता, उसको आप बोलते हैं क्रिटिकल टास्क। और जो लेट स्टार्ट हो रहा है वो नॉन क्रिटिकल में आएगा, ठीक है। जो लेट स्टार्ट आता है वो आपका नॉन क्रिटिकल टास्क में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू सो मच।